हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा खास है क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसा पौधा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे कि ज्यादातर लोग ने शायद ही देखा होगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ क्रैनबेरी हिबिस्कस या फिर अफ्रीकन रोजमेलो के बारे में। दोस्तों, ये प्लांट मुझे मेरे स्वीपर ने ला के दिया था। मैं जब पहली बार इस प्लांट को देखी तो मुझे इसमें कुछ ज्यादा खास इंटरेस्ट आया नहीं, क्योंकि मैं प्लांट से प्यार करती हूँ। चाहे वो कैसा भी प्लांट हो, मैं रख लेती हूँ और अपने गार्डन में लगा लेती हूँ। तो ये प्लांट को भी मैंने ऐसे ही रख ली थी और गमला खाली पड़ा था तो उसमें लगा दी थी। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस प्लांट में मुझे क्यों इंटरेस्ट नहीं थी। वो इसलिए कि मैं इस प्लांट के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं थी और देख तो मैं इसे पहली बार ही रही थी। इसका फूल भी कैसा है मुझे पता नहीं था। लेकिन दोस्तों, चमत्कार तो तब हुआ जब इसमें फूल खिले। मैं तो दंग रह गई, चकित रह गई। मतलब इतना सुंदर फूल, ये तो कोई डेकोरेटिव आर्टिफिशियल फूल जैसा लग रहा था। मतलब ये सचमुच का फूल लग ही नहीं रहा था। ये तो कोई चित्रकार की चित्र जैसा था, मानो कोई ड्रॉ करके उसमें रंग भर दी हो। तो अब दोस्तों सच बताऊं, मुझे अब इस पौधे में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ गया था। तो मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी और ये भी सोच ली कि मैं एक वीडियो बना के छोड़ दूं ताकि आप लोगों को भी इस बारे में पता चले। तो वीडियो कैसा लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताना हमको। और इस प्लांट को मल्टीप्लाई करने के बारे में भी मैं सोचने लगी। इसका फूल देख के इतना आकर्षक था वो फूल कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। ठीक है दोस्तों, और ऐसे में दोस्तों इसमें सीड डेवलप होने लगे थे। जब तक मुझे उस फूल से और इस पौधे से प्यार होने लगा था तब तक इसमें सीड्स डेवलप होने लगे थे। तो मैं सीड कलेक्शन करके इस प्लांट से कैसे सीड कलेक्शन करते हैं इसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दी। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, देख सकते हैं आप जाके, देखिएगा जरूर, अच्छा वीडियो है। तो दोस्तों, ये प्लांट एक सालों साल चलने वाला प्लांट है। इस पौधा एक हार्डी प्लांट है और फूल इस पौधे में भर भर के आते हैं। ये इस प्लांट को सूरज की रोशनी चाहिए होती है, लेकिन गर्मी की मौसम में जैसे हमारा देश का तापमान 50 डिग्री के आसपास आ जाता है, अगर ये पॉट में लगा हो तो इसे आधा धूप आधा छांव में रखना चाहिए, वरना ये मर सकता है। अगर ये आपके बगीचे की जमीन में लगा हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही उसको धूप में रख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, अभी दोस्तों इसका दो ही वैरायटी है मेरे पास। और दोस्तों ये देखिए, दोनों फूलों के पत्ते का रंग अलग अलग है। इस प्लांट का 200 से 300 प्रजाति होते हैं और ये साधारणतः परित्यक्त मैदान या फिर जंगलों में पाए जाते हैं। ये फूल, ये पौधा मूल रूप से अफ्रीका का है और शायद इसीलिए इसका नाम अफ्रीकन रोजमेलो पड़ा है। तो दोस्तों, ये प्लांट का खाद्य गुण भी है और कई जगहों में इसकी खेती की जाती है। इसके पत्ते का सलाद में यूज किया जाता है और फूल की चाय बनती है। हमारे भारत में इसका फ्लावरिंग टाइम सितंबर से लेके जनवरी या फिर फरवरी तक है। तो दोस्तों, अगर हम इस पौधे को जमीन पर लगाते हैं तो ये प्लांट का हाइट गमले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। इस प्लांट का मिट्टी ड्राई होनी चाहिए लेकिन नम भी। इसे अच्छी तरह की खाद और पानी की आवश्यकता होती रहती है। ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से बीज और कटिंग से प्रोपागेट हो जाता है। एक्चुअली अगर ये आपके गार्डन की जमीन पर लगा हो तो बीज गिर गिर के सेल्फ प्रोपागेटेड होके झाड़ बन जाती है। सीड्स और कटिंग से इसे कैसे प्रोपागेट किया जाता है, अगर आप लोगों जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी आप लोगों के लिए। दोस्तों, जो भी हो, देखिए इसका फूल कितनी सुंदर है
और कितना सुंदर ये लग रहा है। अगर आपको ये पौधा, इसका फूल और ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा देना, लिंक को शेयर करना और लाइक जरूर कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो और दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि ये पौधा हिबिस्कस प्रजाति का है, मतलब गुड़हल प्रजाति का है, इसीलिए इसका नाम क्रैनबेरी हिबिस्कस है। दोस्तों इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा और भी चैनल का लिंक हम डाल दिया हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये लिंक में जाके उस चैनल का मजा उठा सकते हैं। बहुत काम का चीज है, आप थोड़ा देख लिए, आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, ना अच्छा लगे कोई जरूरत नहीं सब्सक्राइब करने का। लेकिन दोस्तों एक बार देख जरूर लीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, अब विदा लेना होगा और आज के लिए इतना ही, बाय बाय।